सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जो केबीसी में तो पहुंच गए लेकिन इतने इतने आसान सवालों का जवाब भी नहीं दे पाए जो सवाल एक बच्चा भी दे सकता है। तो खुद देख लो वीडियो में। तो लेट्स गो। रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, इस संदेश को आप कहां सुनते हैं? इस सवाल का जवाब ये अंकल सोचने में देखना पहले कितना टाइम लगाते हैं और जवाब देने में तो फिर देख लो। अब सुनिए, ए रेलवे स्टेशन, बी एयरपोर्ट, सी फोन या टी रेडियो। यार कितना तो सवाल दे दिया यार, कैसे करूं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सॉरी सर, रेलवे स्टेशन। क्या न, क्या रेलवे स्टेशन? रेलवे स्टेशन। सवाल का जवाब तो एक बच्चा भी जानता है जो कि स्कूल में भी पढ़ने नहीं गया। और इनका जवाब सुनो या जवाब देते भी तो सुनो। ये वही लोग हैं जब केबीसी से बाहर जाते हैं तो हेलमेट उल्टा पहनते हैं। इनमें से क्या एक वेब ब्राउजर नहीं है? फायरफॉक्स, अपरा, फेसबुक या क्रोम? अरे दीदी इसका जवाब तो सही दे देना कम से कम। फेसबुक या क्रोम में से कुछ होना चाहिए। मुझे लगता है मैं लाइफलाइन ले लूंगी। You want to take a lifeline? क्या? नहीं, क्या फेसबुक होना चाहिए, पर मैं लाइफलाइन ले लूंगी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे। नहीं मारो, नहीं नहीं मुझे मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, नहीं मारो। अगली तो भाई हमारी जाने मानी इतनी बड़ी एक्टर सोनाक्षी सिन्हा का जवाब सुनो। रामायण के अनुसार हनुमान किसके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे? मुझे भी यही लग रहा है, सीता। सीता क्या क्या लग रहा है? संजीवनी बूटी किसके लिए लाए थे? ये जवाब सुन के आलिया भट्ट को लग रहा हो कि पूरी दुनिया में मैं अकेली बेवकूफ नहीं हूँ, मेरे साथ भी कोई है। Thank you God, thank you Trina. So guys, अगर तुम्हें मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना। तब तक मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव। बाय।